गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण पार्ट 15 संधि भाग 2। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको भाग 1 में आपको वीडियो भेजी थी, उसमें था कि संधि की परिभाषा, की संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के मैंने आपको प्रकार भी बताए थे कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। जैसे हमारे स्वर कितने, हिंदी में स्वर कितने हैं, 11 हैं। आ आ ई ई जितने में ये कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। अब हम इसके कि स्वर के वर्ग की स्वर संधि होती क्या है, कि शब्दों में दो स्वर के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी शब्दों में कोई भी शब्द हो हमारे पास, तो उसमें जब दो क्या आते हैं, दो स्वरों के जब मेल होता है, दो स्वरों का जब मेल होता है उसमें जो परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे दिन दिन धन इज, तो क्या बनेगा शब्द, दिनेश दिनेश। अब इसमें क्या हुआ कि दो स्वर आए, दिन तो क्या रहा है यहाँ पे, आ क्या आ रहा, आ प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है कि मैंने कल आपको बोला था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, क्योंकि जब मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, योग होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संधि। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई, तो बराबर में क्या होगा, ई बराबर में क्या होगा, ए। कि जब ये दो स्वर आपस में मिले हैं, आ धन ई बराबर ए, तो क्या बना है यहाँ पे, दिनेश। दूसरा शब्द है विद्या, विद्या धन आर्थी, क्या बना शब्द, विद्या धन आर्थी। तो इसमें क्या है, विद्या आ प्लस बराबर आ बराबर क्या आएगा, आ। तो इसमें दो शब्द जो बोला था कि दिन धन ई बराबर दिनेश, इसमें सब आ धन ई बराबर ए, तो क्या बना इसका, ए बना, क्योंकि यहाँ पे किसकी मात्रा लग रखी है, ए की मात्रा, तो ए हमारा क्या है, स्वर है। फिर है इसमें कि विद्या धन आर्थी, यानी विद्यार्थी, क्या बना इसमें, कि विद्या थी, इसमें जो शब्द बना है कि विद्यार्थी। अब इसमें क्या है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला अर्थ होगा, तो उसमें क्या आएगा, आ, तो आ प्लस आ बराबर आ। तो ये थे हमारी स्वर संधि के एग्जांपल। अब है हमारे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि की है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी है, सबसे पहले है कि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृत्त संधि, वृत्त संधि, और चौथी है यण संधि। जिसमें दीर्घ स्वर संधि होती है, जिनमें उच्चारण में अधिक समय
लगता है कि जैसे यहाँ पे कि जब ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ यानी ह्रस्व स्वर के बाद क्या है दीर्घ स्वर आते हैं तो वह क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब जिनको उच्चारण मूल ह्रस्व स्वर होते हैं जो हमारे मूल स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करने में क्या है कम समय लगता है जैसे आप ओ जैसे ये है कि हमारे क्या है ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है जिनके उच्चारण करने में अधिक समय जैसे आ ई ये हमारे क्या होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं कि दीर्घ स्वर आए तो वो क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है मतलब ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर जब आता है तो वो क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है। जैसे मुनि धन ईस बराबर क्या आएगा मुनिस। अब इसने क्या ह्रस्व स्वर बोला उसने कि मुनि ई का उच्चारण हो रहा है और धन ईस दीर्घ उच्चारण हो रहा है यहाँ पे क्या है कि ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर ये ह्रस्व स्वर हो गए जो हमारे मूल स्वर है इसके बाद क्या आया है दीर्घ स्वर आया है ये क्या है दीर्घ स्वर तो बराबर में क्या होगा इसका मुनि धन ईस बराबर मुनि बराबर ई आ गए क्योंकि इसमें क्या है बड़े ई की मात्रा है तो क्या बना मुनि धन ईस बराबर मुनीस ये ह्रस्व स्वर आ गए और ये दीर्घ स्वर आ गए बराबर संधि बन गई और ये क्या है मुनीस तो ये थी हमारी दीर्घ संधि। अब है गुण संधि कि गुण संधि क्या है कि जब आ और आ के बाद यानी ये आ और आ के बाद ई या ए हो तो उसका क्या बन जाता है ए यानी आ और आ ई और ई के बाद जब क्या है या हो तो उसका क्या बन जाता है ए और ओ या ओ हो तो उसका क्या बन जाता है ओ यहाँ पे ए बनता है आ और ई के बाद क्या बनता है ए और ओ हो तो उसका क्या हो जाता है ओ हो जाता है तो और री हो तो री का क्या बन जाता है अर हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम गुण संधि यानी आ और आ के और ई या ई हो तो उसका ए हो जाता है आ ई ई ए का क्या होगा ए और ओ या ओ हो तो उसका क्या हो जाएगा ओ और री हो तो उसका क्या बन जाएगा अर बन जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे गुण संधि। जैसे इसमें क्या है कि महेंद्र महा धन इंद्र बराबर महेंद्र अब इसमें महाधन इंद्र आएगा कि महाधन इंद्र आएगा आ प्लस ई तो बराबर क्या बना ए। अब यहाँ पे क्या था कि आ और आ के बाद आ और आ के बाद और ए हो तो क्या हो जाता है ए हो जाता है तो यहाँ पे वही है कि आ धन ए बराबर क्या हो गए ए हो गए तो क्या बना महेंद्र हो गए तो ये थी हमारी गुण संधि। अब है वृद्ध संधि कि वृद्ध संधि क्या होती है कि जब जब और आ के बाद ए या ए हो तो अब है वृद्ध संधि कि जब आ और आ के बाद यानी आ और आ के बाद ए या ए हो तो ए तथा और अ का क्या हो जाता है अव हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे वृद्ध संधि यानी आ के बाद ए और ए हो तो ए के बाद क्या हो जाता है अव हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे अव हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम वृद्ध संधि। जैसे कि ए धन ए बराबर क्या आएगा एक ए। अब क्या हुआ ए आ प्लस ए बराबर ए हो जाएगा तो इसमें क्या है कि जब आ और आ के बाद ए तो उसका क्या हो जाएगा ए हो जाता है यहाँ पे ए हो गए
तो ए तथा ओ के बाद औ हो तो उसे क्या कहेंगे हम वृद्ध संधि। जैसे ए धन ए बराबर एक एक और आ प्लस ए बराबर ए। तो ये थी हमारी वृद्ध संधि। अब इसके बाद यण संधि। यण संधि क्या होती है कि जब हर्ष या दीर्घ, यानी मैंने हास्य भी बताया कि हर्ष है ये भी हर्ष है, दीर्घ के बाद कोई भिन्न स्वर, अब भिन्न मतलब अलग स्वर आए तो ई और ई का या और ओ का क्या हो जाता है वा और री का क्या हो जाता है रा हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे यण संधि। यानी आद हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर जब आता है तो उसमें आए वो तो ई और ई का क्या हो जाएगा या और ओ का क्या हो जाएगा वा और री का क्या हो जाता है री का क्या हो जाता है रा, तो उसे हम क्या कहेंगे यण संधि। जैसे एग्जांपल के माध्यम से प्रतिदिन एक बराबर प्रत्येक, अब इसमें भिन्न स्वर क्या आएगा प्रति ई प्लस ई ए बराबर ए। तो क्या है इसमें भिन्न स्वर कि आप हर्ष और दीर्घ स्वर के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या हो जाता है और ओ और वा का ओ और ओ का क्या वा हो जाएगा और री का अर हो जाता है, तो उसे हम यण संधि कहते हैं। जैसे पढ़ते हैं ए पढ़ते जैसे ए प्लस ई ए बराबर ए और उसका ते हो जाएगा, तो ये हमारा क्या था भिन्न स्वर था मतलब ये अलग से आया है। दूसरा है शूदन आगन, तो बराबर क्या आएगा स्वागत। अब इसमें क्या आएगा सो सो के सो का क्या बनेगा सुई आएगा और धन आ और बराबर क्या आएगा हुआ। इसमें जो क्या है ये भिन्न स्वर है कि शूदन आगत बराबर स्वागत और शूदन आ बराबर हुआ, ये क्या आ गए भिन्न स्वर मना अलग से स्वर आ गए। तो ये हमारी यण संधि। यण संधि की पहचान यही है कि वह इसमें अलग से भिन्न स्वर आता है और आ हर्ष और दीर्घ स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है भिन्न स्वर आए तो ए और ई का या हो जाता है और ओ का क्या हो जाएगा वा हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे यण संधि। जैसे प्रतिधन ए पढ़ते तो शूदन आगत बराबर स्वर। अब है अयादि संधि, जो हमारी पांचवी जो संधि है वो क्या है अयादि संधि कि जब ए और ऐ ए और ऐ ओ और औ के बाद कोई स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा आय हो जाएगा और ओ और औ का क्या हो जाएगा औ हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे अयादि संधि। ए और ए का ओ और औ के बाद कोई स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा आय और ओ और औ का क्या हो जाएगा औ, तो उसे क्या कहेंगे अयादि संधि। जैसे ने धन अन बराबर ने। अब इसमें क्या था कि ए और ओ के बाद कोई क्या स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा आए, तो क्या आया यहाँ पे ए ए प्लस आ बराबर आए आ गए, ये वाला सत्य यहाँ पे कि ये क्या हो गए ऐसा हो गया। फिर है वो धन बराबर अब क्या आ गया भो के क्या आएगा ओ प्लस औ बराबर भो प्लस सॉरी वो प्लस आ बराबर औ। फिर यहां पे क्या था कि ओ और औ
औ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या थी, अ की मात्रा है औ, अ प्लस आ बराबर औ, अ प्लस औ बराबर औ, ये क्या हो गए भवन। ये थी हमारी यण संधि, अयादि संधि, कि ए और ए और ओ और औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा आय, और औ का क्या हो जाएगा औ हो जा, तो उससे क्या कहेंगे हम अयाद संधि। जैसे ने धन अन बराबर नयन, और ए धन आ बराबर आय, और भो धन अन बराबर भवन, ओ धन आ बराबर औ हो गए। तो ये थे बच्चों हमारी स्वर संधि के प्रकार। क्या क्या थी हमारी स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयाद संधि। ये थे हमारे स्वर, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की। अब हम संधि के भेद में पढ़ेंगे कि संधि हमें तीन प्रकार की बताई थी, कि स्वर संधि और व्यंजन संधि, इसके बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब स्वर संधि के जो प्रकार बताए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब है कि संधि तीन प्रकार की जो बताई थी उसमें स्वर संधि हमने पढ़ ली है, अब है इसमें व्यंजन संधि। व्यंजन आपने देखे होंगे हमारे हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, जो काशी शुरू होते हैं, कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर के आने से, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर के आने से जो संधि होती है उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। यानी व्यंजन और व्यंजन के बाद जो स्वर आए है, स्वर के आने से जो संधि होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर के बाद आने से, स्वर के आने से, यानी व्यंजन के बाद जब स्वर आता है उसके आने से जो संधि होती है उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। कि जैसे क्या है कि दिग, दिग धन अंबर बराबर में क्या होगा, दिगंबर, दिगंबर। अब क्या बोल, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि व्यंजन के बाद व्यंजन, यानी व्यंजन के बाद हमारे पास व्यंजन क्या है, का। क्या है व्यंजन, का। यहाँ पे व्यंजन क्या है, का। अब इसमें व्यंजन के बाद उसके बाद क्या आ रहा है कि स्वर के आने से जो संधि होती है, और स्वर क्या आ रहा है हमारे पास, का धन अंबर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये स्वर आ रहा है, तो उसके बाद जो बनता है, उसके बाद जो आता है ग, इसके ऊपर क्या पड़ता है, ग। तो इस क्या बना कि दिग धन अंबर बराबर दिगंबर, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर के आने से जो संधि होती है उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। यहाँ पे क्या आ गया, व्यंजन का और स्वर के आया धन अंग, अंग बराबर ग और दिगंबर, क्या बना, दिगंबर। तो ये थी हमारी व्यंजन संधि। दूसरा है जगत, जगत धन ईस, ईस बराबर जगदीश। अब इसमें जगत धन ताएगा, ता धन ई बराबर क्या दी, जगत ता प्लस ई बराबर दी, तो क्या बना, जगदीश। तो ये थी हमारी व्यंजन संधि, कि दिग धन अंबर बराबर दिगंबर और जगत धन ईस बराबर जगदीश। अब है विसर्ग संधि, विसर्ग, अब है विसर्ग संधि। आप इसका विसर्ग का ये चिन्ह बन रखा है, ये हमारे क्या है, विसर्ग। अब क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, यानी विसर्ग के बाद जब पहले ये विसर्ग लगता है, इसके बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो संधि होती है उसे क्या हम कहेंगे, विसर्ग संधि। पहले ये विसर्ग लगेगा, इसके बाद स्वर, आप स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आता है, स्वर या व्यंजन के आने पर जो संधि होती है उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। जैसे 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 क्या है, मनह, मनह धन रथ क्या बनेगा, मनो रथ। अब इसमें परिवार
प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर, अब विसर्ग के बाद क्या आएगा, यहाँ पे विसर्ग स्वर रत रा आ रहा है, इसमें क्या आएगा आ रत आ गया, स्वर आ गया यहाँ पे, तो बराबर में क्या बनेगा ओ, क्या बना ओ, क्योंकि विसर्ग से पहले क्या आ गया, विसर्ग के बाद क्या आया स्वर आया है, क्या आया है स्वर आया है यहाँ पे मिनिमम स्वर, फिर ये स्वर क्या है यहाँ पे आ, तो क्या बना विसर्ग के बाद व्यंजन के आने पर जो संधि होती है उसे हम क्या कहेंगे विसर्ग संधि, क्योंकि ये विसर्ग के बाद आई है। अब दूसरा है दू दू धन जन बराबर दुर्जन, अब इसमें दू विसर्ग आएगा प्लस जा क्या आएगा जा बराबर जा, तो ये आ गए इसमें ये व्यंजन यहाँ आ गए, जहाँ यहाँ स्वर आया था तो स्वर यहाँ आया था, कि विसर्ग के बाद स्वर आए और व्यंजन यहाँ आ गए, तो ये क्या हो गए व्यंजन आ गए, तो उसे हम क्या कहेंगे आने पर जो संधि होती है उसे हम क्या कहेंगे। प्यारे बच्चों ये थी आपकी संधि, ये संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर मैंने आपको विसर्ग में स्वर संधि के पाठ पांच बताए थे, दीर्घ संधि और दीर्घ संधि गुण संधि और ये अभिरुद्ध संधि और यण संधि और अयाद संधि, तो ये थी हमारी संधि। उसके बाद हमने स्वर के व्यंजन संधि के बारे में मैंने आपको बताया है और विसर्ग संधि के बारे में भी मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी, आपने इसे लर्न करना है, समझने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।